हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आजकल चल रहा है फेस्टिव सीजन और इन दिनों हम घर की सफाइयों में बिल्कुल लगे हुए हैं और इन्हीं सफाइयों से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है हमारे पुराने कपड़े, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सबके पास होते हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं कपड़ों से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो दोस्तों, जब टॉवल पुराने हो जाते हैं तो उसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए, उसे हम बहुत मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं एक तरीका आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारे तरीकों से भी आप इन टॉवल्स का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने टॉवल को फेंकना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो देखिए, मैंने अपने सिंक एरिया के पास इस टॉवल को बिछा दिया है और जब भी मैं अपने बर्तन को वॉश करूँगी तो मैं इस पर रख दूँगी ताकि जो पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो ये टॉवल बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो फटाफट से हमारे बर्तन भी सूख जाते हैं और हमारे जो ये पुराने टॉवल से ये भी यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पुराने टॉवल्स का यूज कीजिए, आपके टॉवल्स भी यूज हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मनी भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये आइडिया कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं पुराने टी शर्ट्स को और पुरानी कुर्तीज़ को। तो गाइज, अगर आपके पास भी ऐसे पुराने टी शर्ट्स पड़े हुए हैं या पुराने कुर्ते या कुर्ती पड़े हुए हैं तो उनको आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। एक आइडिया तो आप लोग सब यूज़ ही करते होंगे कि पोछा तो आप बना ही लेते होंगे, लेकिन आप इन्हें बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ऐसे पुराने जो टी शर्ट्स होते हैं उनको ले लीजिए और इनका ऊपर वाला पार्ट काट दीजिए, जो इनका नेक वाला और स्लीव्स वाला पार्ट है उसको आप बिल्कुल काट दीजिए और जो इसका नीचे वाला पार्ट बचेगा वो आपको एक अच्छा खासा बड़ा कपड़ा यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसे आप मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से इन टी शर्ट्स को यूज किया है। ये टी शर्ट्स को मैं अपने किचन में भी यूज करती हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, और इन टी शर्ट्स का यूज करके मैं अपने बर्तनों को भी ड्राई करने के लिए यूज करती हूँ, और इन टी शर्ट्स और कुर्तियों का यूज मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बनाने में भी करती हूँ, वो आपको आगे के क्लिप में देखने को मिलेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है जो स्लीव्स का या नेक का, वहाँ आप इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और ये छोटे छोटे जो कतरन होते हैं ना गाइज, ये भी किचन में क्लीनिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कभी आपके काउंटर टॉप पर थोड़ा सा हनी गिर गया है तो फटाफट आप इस छोटे से कपड़े को लेके उसको यूज़ करके आप चाहे तो उसे थ्रो भी कर सकते हैं या वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक डिब्बा बना के रखा हुआ है, उसमें छोटे छोटे कतरन्स में रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर ना भागना पड़े, और छोटी छोटी चीज़ें अगर गिर जाए तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं और टिश्यू पेपर भी हम यहाँ पर बचा सकते हैं। गाइज, ये टिश्यू का ही काम करता है। तो दोस्तों, मैं किचन में यूज़ करती हूँ ऐसे टी शर्ट वाले कपड़ों को अपने बर्तनों को ड्राई करने में। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो हमारे कांच वाले बर्तन होते हैं ग्लास के, अगर उन बर्तनों को आप इस टी शर्ट वाले कपड़े से ड्राई करोगे तो गाइज, उस टी शर्ट वाले कपड़े की वजह से आपके ग्लास वाले बर्तन पे बिल्कुल भी स्क्रेचेस नहीं आएंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि यह आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। तो नेक्स्ट, मैं पुराने कपड़ों का किस तरह से यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो ये जो मेरी कुर्ती है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मुझे इसे बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं कर रहा था, और मेरे पास एक कार्टन बॉक्स भी था तो मैंने सोचा चलो इसका एक ऑर्गेनाइज़र मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने इस कार्टन बॉक्स का यूज़ करके और ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस कुर्ती के कपड़े को इस कार्टन बॉक्स पर कवर कर दिया। और गाइज, इस काम को करने में बस 5 से 10 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है इसमें,
और इस तरह से मैं अपने पुराने कुर्ती हुई या पुराने टी शर्ट्स हुए उनके मैं ऑर्गेनाइजर्स भी बनाती हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी देखे होंगे। अगर आपने मेरे टी शर्ट और कार्टन बॉक्स वाले DIY नहीं देखे तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप बिल्कुल उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा DIY बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। तो आज के वीडियो में जितने भी सारे काम हमने किए हैं सारे जीरो कॉस्ट वाले हैं, किसी में भी हमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। तो गाइज मैं बिल्कुल ध्यान देती हूँ कि अगर हमारे कम से कम पैसे खर्च हो तो बिल्कुल हमें वही काम करना चाहिए। तो बस जो कार्टन बॉक्स है उसके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कपड़े को कट कर लीजिए और ग्लू गन या फेविकोल की हेल्प से आप उसे बस इसमें स्टिक कर दीजिए। आपका एक प्यारा सा DIY कलरफुल सा DIY बनके रेडी हो जाएगा ऑर्गेनाइजर। इसको आप बहुत मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो, इस तरह से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस दिवाली आप एक भी कपड़ा नहीं फेंकिए, इस तरह से कुछ कुछ चीजें आप यूज कीजिए। तो गाइस पुराने कपड़ों को रीयूज हम बहुत ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने की हुई है, उसका भी वीडियो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर की। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ मैं इस चैनल पर बिल्कुल लाती रहती हूँ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है और बहुत ही कम टाइम में, और पैसे तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे खर्च नहीं हुए हैं। सो दोस्तों ये कुछ कार्टन बॉक्स और टी शर्ट्स की हेल्प से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। इनके वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो इस तरह से मैं अपने पुराने कपड़ों का यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी पुराना टी शर्ट्स हुआ या पुरानी कुर्ती हुई, अगर मुझे लगता है कि मैं इसका रीयूज़ कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसका करती हूँ और हमें करने भी चाहिए। तो देखिए मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे बनाया है। तो इस तरह से मैंने पुराने कपड़ों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स भी बनाए हैं। पुराने कपड़ों को मैं बहुत ही मल्टीपल तरीकों से यूज करती हूँ, फिर चाहे वो किचन में हो या फिर मेरे वार्डरोब में हो या फिर मेरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लेस पे हो, मैं बिल्कुल इन सारे कपड़ों को कभी नहीं फेंकती हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने कर्टन्स को लेके। तो गाइस कर्टन्स का भी हम लोगों के पास अच्छा खासा कलेक्शन होता है और कुछ कुछ कर्टन्स बिल्कुल नए भी दिखते हैं। तो आज मैं इन कर्टन्स का यूज करने वाली हूँ अपने बे विंडो पे एज अ लाइनर में से बिछाने वाली हूँ। और इसको बिछाने के बाद गाइस आप लोग को यकीन भी नहीं होगा, इससे इतना बेहतरीन सा लुक आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैंने बिल्कुल इसी चीज के लिए इनको बाय किया है लेकिन ये कर्टन्स है। तो इस तरह से मैं अपने पुराने चीजों का यूज करके उनको एक नया लुक दे देती हूँ और हमें ये बिल्कुल कर लेना चाहिए क्योंकि पुरानी चीजें कभी कभी अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ही प्यारा सा लुक देगी। और इसका देखने के बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे कि ये कर्टन से, आप लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे बे विंडो के ही कवर है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आया है और इनको आप अपने सोफे पे भी बिछा सकते हैं, सोफा कवर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं।